होने का कोई सबूत हमें नहीं मिला और यूं लगता है कि शायद हुकूमत अभी भी वक्त गुजारने की कोशिश में है, इसलिए कि जिन बैंकों की तरफ से उनमें हमारे आयीन में दफा 203 डी का जीली दफा 2 है, उसमें ये शर्त मौजूद है, प्राविजो मौजूद है कि अगर कोई अपील करता है तो और अपील मंजूर होता है तो पाकिस्तान शरी अदालत का फैसला कबूल नहीं होगा, उस पर अमल नहीं होगा। हमारा ये मुतालिबा है, हमारे सेनेट में हमारे एक मेंबर है मुश्ताक साहब ने एक तरमीम भी लाया है कि इस प्राविजो को ख़त्म किया जाए, लेकिन अब तक वो ख़त्म नहीं किया गया। ये बात खुशाइन है कि जॉइंट सेशन में कौमी असम्बली और सेनेट के मुश्तरक इजलास में सेनेट में मेरी तरफ से नजी सूदी कारोबार पर बंदिश का एक बिल मैंने पेश किया था जिसको सेनेट ने मंजूर भी किया था, लेकिन तवील अरसा गुजर गया, उस पर मदीद कार्रवाई नहीं हुई और अरसा गुजर गया और बिलाखिर जॉइंट सेशन में उसको पेश किया। तो हम इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी तरफ से वो पेश करदा बिल जॉइंट सेशन में मुतफिक तौर पर मंजूर हुआ है, जो निजी कारोबार सूदी कारोबार पर बंदिश के हवाले से है। तो आज हमने आपको तकलीफ दी है, कराची से शेख साहब भी आए हैं, अनवर मंसूर साहब भी आए हैं, मुल्क के कोने कोने से आप बुजुर्ग जमा हैं, एक जिन